ये देखिए आलू जो है हमारे बॉईल हो गए हैं, और ये देखिए कितने अच्छे से गले नहीं, एकदम बढ़िया से पक गए हैं। इसीलिए मैं पैन में बॉईल की हूँ, इससे क्या है ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा मुझे, मुश्किल से 8 से 9 मिनट लगा। आलू जो है एकदम बॉईल होके रेडी हो गए हैं और हम गैस को ऑफ कर दिए हैं। अब आलू को हमें बॉल में निकाल लेंगे। ये देखिए आलू को मैंने बॉल में निकाल लिया है और इसे ठंडे पानी से वॉश कर दिया है। और इसके लिए मतलब इस आलू को, हरी वाली आलू को बनाने के लिए मैंने ले लिया है ये ढेर सारी हरी फ्रेश कोरिएंडर लीफ, यानी धनिया पत्ता और ग्रीन चिली 4 से 5, लहसुन, और ये एक कटोरी भर के मैंने हरी मटर ले ली है, और ये थोड़े से जीरे हैं। और इन्हीं से हम बस एकदम सिंपल तरीके से जो अपना हरा वाला आलू बनाएंगे, जिसको बोलते हैं आलू दम, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा एकदम फ्लेवर में बन के तैयार होगा। तो चलिए हम इसका एक प्यूरी बना लेते हैं। ये जो धनिया पत्ती और हरी मिर्च लहसुन के, जो हमारे आलू को एकदम चटपटा बनाएगा। ठंड के सीजन में यार अगर ये ना खाओ तो क्या खाओ। हम लोग गांव जब भी जाते हैं, गांव में तो आसानी से आप देखते हैं मिल जाता है एकदम फ्रेश घर का हरा धनिया पत्ता और फ्रेश घर का आलू, और ये सब जब घर पे बनता है ना तो बहुत ही अच्छा एकदम सुबह का ब्रेकफास्ट रहता है। वहाँ तो ज़्यादातर यही पे बनता है, मैं मिस करती हूँ, तो आज इसीलिए मैं ये बना रही हूँ। क्योंकि मैं मार्केट गई तो देखी ये फ्रेश धनिया पत्ता और नई आलू, तो मुझे याद आ गया, तो इसीलिए मैं आज बना रही हूँ। इस तरीके से आप बनाइए शाम के समय या तो सुबह, बहुत ही अच्छा बहुत ही बढ़िया नाश्ता है, जिससे एकदम मन फ्रेश हो जाता है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसका एक बढ़िया पेस्ट तैयार करेंगे। ये पेस्ट बन के रेडी हो गया हमारा। और हाँ, इस हरे आलू को, आलू दम को बनाने के लिए हमारे पास ढेर सारा धनिया पत्ता होना चाहिए, अगर लहसुन की पत्ती मिल गई तब तो और अच्छी बात है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं। तो हम इस तरीके से गोटा लहसुन लेके और हरी मिर्च लेके इसका एक बढ़िया चटनी तैयार कर लेंगे, और इसी से हम बनाएंगे अपना आलू दम, जो बहुत ही चटपटा तीखा स्पाइसी बढ़िया बन के तैयार होगा। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पे मैंने ये बड़ी कढ़ाई चढ़ा ली है, गैस को ऑन कर दूंगी, कढ़ाई हमारी गर्म हो जाएगी। अगर आपके पास सरसों का तेल है, सरसों के तेल में बनाइए और अच्छा बढ़िया बन के तैयार होगा, यानी मस्टर्ड ऑयल। वो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। तो इस टाइम मेरे पास सरसों का तेल नहीं था तो मैं रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास सरसों का तेल हो तो आप सरसों के तेल पे ही बनाना, क्योंकि उससे एक अच्छा बढ़िया जो होता है हमारे गाँव का फ्लेवर एकदम सच में गांव की याद दिला देता है। ले तो वैसे ही आज ये बन के तैयार होगा, तेल हमारा गर्म हो जाएगा। जब ठंड स्टार्ट होता है ना फ्रेंड, तो हमारे घर में क्या होता है, ज़्यादातर कुछ बने या ना बने ये जरूर बनता है, क्योंकि सभी को बहुत पसंद है और खासकर मुझे। तो मैं जिनको पता है उनको मैं ये कहूँगी कि किसको किसको पसंद है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और जिसको नहीं पता है, जिसको इसके बारे में नहीं पता है, वो ये वीडियो को देखें और इस तरीके से अपने घर में बनाइए। बहुत ही अच्छा बहुत ही बढ़िया और एकदम सिंपल तरीके से हमारा आलू दम बन के रेडी होगा, जिसको हम बोलते हैं कचालू। तो चलिए तेल गरम हो गया हमारा, इसमें हम पहले सबसे पहले ये जीरा डाल देंगे,
जो एकदम हमारे आलू में एकदम बढ़िया फ्लेवर लाएगा। जीरा हमारा चटकने लगा है, इसी के साथ हम दे देंगे हरी मटर, क्योंकि हरी मटर थोड़ा जल्दी पकता नहीं, इसलिए तेल के साथ ही हम ये हरी मटर दे देंगे। और इसी के साथ हम दे देंगे सॉल्ट, गैस का फ्लेम कम कर देंगे, क्योंकि ये मटर जो है चटकता है तो ये आपके फेस पे भी जाके मतलब लग सकता है, तो इसीलिए मैंने इन सभी को अच्छे से डाल दिया है। एक बार सौते कर दूंगी और इसको मुश्किल से 2 से 3 सेकंड के लिए हम ढक के पकाएंगे। 2 से 3 सेकंड हो गए हैं, ये जो मटर है हमारे ये हाफ फ्राई हो गए हैं, और बाकी हम इसमें जो ये धनिया का पत्ता का पेस्ट बनाया था प्यूरी, ये हमारा मटर के अंदर गया। और इसको हम अच्छे से चला देंगे, इसमें हल्का नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे, क्योंकि मटर के साथ मैंने ऑलरेडी नमक दिया था, और इसे कुछ देर के लिए हम ढक के छोड़ देंगे। इससे क्या है कि हमारा जो मसाला है एकदम पक के एकदम अच्छे फ्लेवर में आ जाएगा। 4 से 5 सेकंड के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था पकने के लिए। ये देखिए हमारे मसाले जो हैं बढ़िया पक गए हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा तो अभी से इतना जल्दी मन कर रहा है कि बन जाए खा लूं। तो ये आलू जो मैंने बॉईल करके रखे हुए थे कट करके, हम इसको इसमें ऐड कर देंगे, बढ़िया से इसको चला देंगे। गैस का फ्लेम थोड़ा मीडियम रखेंगे। हम इसको अच्छे से चला देंगे और गैस का फ्लेम जो है एकदम मीडियम रखेंगे। इसको थोड़ी देर इस तरीके से कढ़ाई में हम सोटे करेंगे। सोटे करने के बाद ये हमारा गर्मा गर्म एकदम देख रहे हैं कितना सुंदर कलर लग रहा है, और जितना सुंदर इसका लुक है उतना ही ये खाने में टेस्टी लगता है। और सच में ठंड के समय बढ़िया ये गर्मा गर्म मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है, और बहुत ही बढ़िया इसका फ्लेवर लगता है। आप चाहो तो इसे सूखा खा सकते हो, जैसे कि मैंने बताया कि सुबह ब्रेकफास्ट में या तो शाम के समय खा सकते हो, और अगर आपको इसे रोटी पूड़ी के साथ खाना हो तो उसके साथ भी खा सकते हो, बहुत ही बढ़िया अच्छा लगता है इसका फ्लेवर। अगर जिसको जिसको ये आलू दम यानी हरी वाली आलू पसंद है मटर वाली, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, और जिसको अगर नहीं पता है तो उस तरीके से ये घर में बनाइए ठंड के समय, बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। मैंने 2 से 3 सेकंड तक इसे अच्छे से कढ़ाई में सौते कर लिया है, और हमें हाँ ये आलू को ऐसे क्रश नहीं करना है, नहीं जो हमारे कचालू का फ्लेवर है वो चला जाएगा और जो लुक है कच्चा बढ़िया वो नहीं आएगा। तो इस तरीके से ही हम आलू को फ्राई करेंगे। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, इसे एक प्लेट में निकाल के सर्व करेंगे।
ये गर्मा गर्म हमारा कचालू तैयार हो गया है। हरी वाली देख रहे हैं कितना बढ़िया बनके तैयार हुआ है। जितना बढ़िया दिखने में लग रहा है उतना ही उससे कई ज़्यादा इसका खाने में बढ़िया फ्लेवर है। मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। एकदम अमेजिंग इसका फ्लेवर है, सच में गांव की याद दिला दी। और बहुत ही बढ़िया एकदम धनिया के पत्ते वाली फ्लेवर, लहसुन, मिर्च, हरी, ये सब एकदम हरी मटर, मज़ा आ गया। बहुत बढ़िया बन के तैयार हुआ है। अगर आप इस तरीके से बनाना चाहते हो ये, तो प्लीज़ अपने घर में ज़रूर ट्राई करिए। एकदम सिंपल रेसिपी है और ठंड के समय तो आसानी से बढ़िया फ्रेश आपको आलू नई वाली मिल जाएगी, फ्रेश मटर, फ्रेश धनिया पत्ता और लहसुन का पत्ता भी मिल जाएगा आपको मार्केट में। अगर वो मिल जाए तो वो और भी अच्छा है। और बहुत ही बढ़िया कमाल के बन के तैयार होता है। तो ठीक है, आप अपने घर में इस तरीके से बनाइए और खाइए, सबको खिलाइए। बहुत ही अच्छा ये रेसिपी है और जिनको पता है वो तो बनाते ही होंगे अपने घर में, जिसे नहीं पता है वो ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। और जिसे पसंद है, जैसे कि मैंने कहा, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा कि किसको किसको ये पसंद है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं इसी तरीके से एकदम बढ़िया बढ़िया फ्रेश रेसिपी लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।